वजीर आजम आज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए दुनिया के सबसे तवील दरियाई क्रूज को करेंगे रवाना। वजीर आजम काशी में टेंट सिटी समेत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों के मंसूबों का अफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। दिल्ली के रिहायशगाह पर लाया गया साबिक मरकजी वजीर शरद यादव का जसद खाकी कल रात गुरुग्राम के एक अस्पताल में हुआ इंतकाल। सदर और वजीर आजम समेत तमाम लीडरों ने किया गम का इजहार। पीएम ने कहा, बाहमी गुफ्तगू को हमेशा संभाल कर रखूंगा। दिल्ली के कंजावाला मामले में वजारत दाखिला ने की PCR वैन में तैनात पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करने की सिफारिश। निगरानी करने वाले अफसरान को वजह बताओ नोटिस जारी करने की भी थी हिदायत। बिहार में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाप्त। बिहार हुकूमत के आईनी हक को लेकर पिटीशन में उठाए गए हैं सवाल। अमरीकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ अटर्नी जनरल ने दिया तहकीकात का हुक्म। बाइडेन के नायब सदर रहते हुए निजी दफ्तर से मिले थे खुफिया सरकारी दस्तावेजात। और मर्दों की हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत का अपने पहले मैच में स्पेन से मुकाबला। अर्जेंटीना, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड और वेल्स के दरमियान भी आज होंगे अहम मैच। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। दुनिया का सबसे तवील दरियाई क्रूज गंगा विलास आज वाराणसी से अपने पहले सफर पर रवाना होगा और इसके साथ ही दुनिया अब भारत की क्रूज सियाहत की सलाहियत का मुशाहिदा करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आसाम के डिब्रूगढ़ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। MV गंगा विलास अपना सफर वाराणसी से शुरू करेगा और 51 दिनों में भारत और बांग्लादेश में 27 नदी निजामात से गुजरते हुए तकरीबन 3200 किलोमीटर का सफर करके आसाम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। MV गंगा विलास में तमाम लग्जरी सहूलियात के साथ 3 डेक और 36 सयाहों की गुंजाइश वाले 18 सूट हैं। इसके अलावा वजीर आजम 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंट सिटी और दीगर अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट शहर के घाटों के साथ तैयार किया गया है जो रिहायशगाह की सहूलियात फराहम करेगा और वाराणसी में सयाहों की बढ़ती हुई तादाद की जरूरतों की तकमील करेगा। इसे वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने PPP मोड में तैयार किया है। सयाह हर साल अक्टूबर से जून तक टेंट सिटी में क्याम कर सकेंगे। अगली खबर पर नजर डालते हैं। साबिक मरकजी वजीर और JDU के सीनियर लीडर शरद यादव का जसद खाकी दिल्ली के छतरपुर में वाकई उनके रिहायशगाह पर लाया गया है। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर शरद यादव का कल रात गुरुग्राम के फोर्ट्स अस्पताल में इंतकाल हो गया था। उनकी उम्र 75 बरस थी। शरद यादव 1989 में VP सिंह की हुकूमत में वजीर थे। उन्होंने 90 की दहाई के आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी की जेर क्यादत हुकूमत में भी बतौर वजीर खिदमत अंजाम दी। शरद यादव एक मुमताज सोशलिस्ट रहनुमा थे जो 70 की दहाई में कांग्रेस के खिलाफ महाज खोलकर रोशनी में आए और कई दहाइयों तक सियासत में अपनी नुमाया की दर्ज कराई। तहम खराबी सेहत की वजह से वो गुज़िश्ता चंद सालों से सरगर्म सियासत में नहीं थे। वो 1 जुलाई 1947 को नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में पैदा हुए। शरद यादव ने 4 बार बिहार के मधेपुरा लोकसभा हलके की नुमाइंदगी की। वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार MP रहे। इसके अलावा वो 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। शरद यादव गालिबन भारत के पहले सियासतदान हैं जो 3 रियासतों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। शरद यादव नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर थे लेकिन उन्होंने कन्वीनर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी पार्टी ने इस इतिहाद से ताल्लुक तोड़ लिया था। सियासी इत्तेहादों के माहिर शरद यादव को बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का सियासी गुरु भी माना जाता है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने साबिक मरकजी वजीर शरद यादव के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है।
अपने ताजियती पैगाम में उन्होंने कहा कि 70 की दहाई में तालिब इल्म रहनुमा हैं। शरद यादव ने हमेशा जमहूरी अख्तार के लिए जद्दोजहद की। शरद यादव पार्लियामेंट में कौमी सतह पर महरूमों की एक मजबूत आवाज़ थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजवादी लीडर शरद यादव की मौत पर ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर लोहिया के नज़रिया से मुतासिर होकर शरद यादव ने अवामी ज़िंदगी के तवील अरसे में पार्लियामेंट्रियन और वज़ीर के तौर पर मुमताज़ मुकाम हासिल किया। पीएम ने कहा कि वो उनके साथ होने वाली गुफ्तगू को अपनी यादों में हमेशा याद रखेंगे। उनके अहले खाना और मद्दाहों से ताज़ियत, शांति। शरद यादव के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि शरद यादव के साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे और वो इस खबर से सदमे में हैं। नीतीश ने उन्हें एक मजबूत समाजवादी लीडर बताया और कहा कि उनकी मौत से समाजी और सियासी मैदान में नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जोशी मठ के घरों में पड़ने वाली दरारें पूरे मुल्क में जेर बहस हैं। दरी असना डीडी न्यूज की टीम ने एनटीपीसी की इस सुरंग के अंदर से रिपोर्टिंग की है, जिसको लेकर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। सवालों में कितनी सच्चाई है या महज अफवाहों का काम कर रहे हैं। पेश है जोशीमठ से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले शिलिंग गांव में एनटीपीसी की सुरंग के अंदर से नामा निगार नीरज सिंह की ये खसूसी रिपोर्ट। इस समय हम सेलंग गांव से तपोवन के बीच में बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की उस सुरंग के पास हैं, जिसके बारे में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि उस सुरंग के अंदर विस्फोट किया जा रहा है। एनटीपीसी ने ये कहा है कि इसमें किसी भी तरह का विस्फोट नहीं यूज किया जा रहा। इसमें जो मशीन है वो पत्थरों को काट कर सुरंग बनाती है और ना कि उसमें किसी तरह का विस्फोट किया जाता है। तो अंदर किस तरह की स्थिति है, आइए आपको ले चलते हैं। इस समय हम टनल के मध्य भाग में हैं और आपको बताते हैं कि करीब 4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हमने तय किया है। और हमें अगर यहाँ देखें तो यहाँ ना तो कोई काम हमको दिखाई दे रहा है और ना ही कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल खामोशी है और इस इलाके में ये पानी ज़रूर ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो जोशीमठ के लोगों ने ये कहा था कि जो घरों में उनके पानी आ रहा है वो टनल से पानी होकर आ रहा है, तो आपको हम ये स्पष्ट कर दें कि ये पानी साफ पानी है और जोशीमठ में जो पानी घरों से निकल रहा है वो गंदा पानी है, यानी कि मिट्टी लगा हुआ पानी है, तो वो पानी कहीं और से आ रहा है। डीएम साहब, इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि वहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, तो ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जाए? अभी किसी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं सभी जनमानस से अपील करना चाहूँगा कि जैसे फिलहाल अभी सभी कार्य बंद हैं, तो इस तरह की कोई भी अफवाहों को कंसिडर ना करें और इनको आगे ना बढ़ाएं। अगर बड़े पैमाने पर अफवाह फैल जाती है तो आपने देखा भी है कि यहाँ पर लोग एनटीपीसी का विरोध करने लगे कि भाई ऐसा हो रहा है, तो उन अफवाहों को रोकने के लिए एज ए जिलाधिकारी आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई भी उनके मन में आशंकाएं हैं, संशय हैं, तो उसको हम उनको हम इन्वॉल्व करेंगे, उनको अवगत भी कराएंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज देखिए, एक थोड़ा सा आपको भी आपदा प्रभावित एरिया है, तो सभी के लिए थोड़ा सा कठिन समय है, तो सभी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। तो उसी तर्ज पर हम एक पॉजिटिव और इंक्लूसिव तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम टनल के बिल्कुल लास्ट हिस्से में पहुँच गए हैं। करीब 8 किलोमीटर का जो सफ़र है हमने तय किया है और इसके बाद ये जो हिस्सा आपको जो गोला दिखाई दे रहा है उसके बाद ये टनल बंद है पूरी तरीके से। जॉइंट पत्थर लगाए गए हैं और कहीं से भी जो पानी है वो नहीं आ रहा है। 8 किलोमीटर की इस टनल में कहीं पर भी कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि पॉइंट नहीं दिखाई दिया, कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखाई दी या कहीं भी कोई हमें पत्थर नहीं दिखाई दिए जो ये बताते हों कि टनल के अंदर किसी भी तरह का एनटीपीसी के द्वारा विस्फोट किया जा रहा हो। तो जो सोशल मीडिया में जिस तरह के वीडियो चल रहे हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, जोशीमठ के लोग जिस तरह की बातें सोशल मीडिया में देखकर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, एनटीपीसी टनल, जोशीमठ। और बिहार में जात पर मबनी मर्दुम शुमारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी।
दरअसल बिहार हुकूमत के एजेंडे में जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी शामिल है, जिसके लिए बिहार हुकूमत ने गुज़श्ता साल जनवरी में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन को ही रद्द करने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार का मौकफ है कि यह नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करता है, जो कानून के तहत बराबरी और मसावी तहफ्फुज के हक की जमानत देता है। अर्जी में रियासत बिहार के इस फैसले को गैर आइनी और कानून के इख्तियार के बगैर करार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क्यादत में एक टीम आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज नागालैंड का दौरा करेगी। ये दौरा 15 जनवरी तक जारी रहेगा। 3 दिन तक वो रियासती इलेक्शन अफसर और पुलिस इंतजामिया के साथ इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क्यादत में इलेक्शन कमीशन की 16 रुकनी टीम आज से 15 जनवरी तक नागालैंड में रहेगी। वो रियासती पुलिस चीफ, चीफ सेक्रेटरी और दीगर सीनियर इंतजामी अहदेदारों, तमाम जिला मजिस्ट्रेट्स, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इंतखाबी तैयारियों और जाब्तों का जायजा लेंगे। दिल्ली के कंझावाला मामले में वजारत दाखिला ने वाकई के दिन 3 PCR वैन और 2 चौकियों पर मौजूदा पुलिस अहलकारों को मौतल करने की सिफारिश की है। ये पुलिस अहलकार ड्यूटी पर थे जब कार में फंसी लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में नए साल की सुबह पेश आए इस वाकये में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस शालिनी सिंह की तफसीली रिपोर्ट के बाद वजारत दाखिला ने मुतालिका पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। वजारत ने दिल्ली पुलिस को निगरानी करने वाले अफसरान को वजह बताओ नोटिस जारी करने की भी हिदायत दी है और दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो जल्द अज जल्द अदालत में चार्जशीट दाखिल करने और कसूरवारों को सजा देने के लिए जरूरी इकदाम करें। इन दिनों जहां शुमाली भारत के कई इलाके सर्दी और धुंध से घिरे हुए हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हो रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में कल लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली। गुज़श्ता रोज यहां दर्जा हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, ताहम शाम तक बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी ने एक बार फिर सर्दी का एहसास दिला दिया। दिल्ली वालों को आज भी सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 से 16 जनवरी तक एक बार फिर सर्द लहर सकती है। 2 दिन के बाद पूरे शुमाली भारत में दोबारा दर्जा हरारत में कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, मगरबी राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में कमी आएगी। बतदरीज मशरकी रियासतों में दर्जा हरारत में कमी आएगी। इस वक्त मुल्क के पहाड़ी इलाकों में मौसम का रवैया मुकम्मल तौर पर बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने मुल्क भर के 651 अजला में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को सस्ती कीमतों पर म्यारी जेनेरिक अद्वियात फराहम करने के मकसद से शुरू किया गया था। इस वक्त 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर की वजारत ने कहा है कि हुकूमत ने अगले साल मार्च तक जन औषधि केंद्रों की तादाद को 10,000 तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। इस स्कीम में 1,759 अद्वियात और 280 आलात जराही शामिल हैं। वजारत ने बताया कि यह स्कीम खुद के रोजगार के मौके फराहम करती है। जन औषधि केंद्रों को माली इमदाद के तौर पर 5 लाख रुपए की तरकीबी रकम फराहम की जाती है। पसमानदा इलाकों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 2 लाख रुपए की एक मुश्ताफी फीस दी भी जाती है। Y20 इंडिया समिट की तैयारियों को तेज करने के लिए पहली बार मुल्क की बावकार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में Y20 चौपाल का इनेकाद किया गया, जिसमें JNU के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह अपनी नौयत का एक पहला तजुर्बा है, जिसका अहतमाम JNU कैंपस में कौमी यौम नौजवान के मौके पर किया गया था। इस मौके पर Y20 के सदर अनमोल सोत और दीगर नौजवानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
इस मौके पर Y20 के सदर अनमोल सोत ने मुल्क के नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि नौजवान कुव्वत आगे आए और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। हुकूमत की जानिब से जारी करदा आददोशुमार के मुताबिक दिसंबर में खुर्दा महंगाई की शरह एक साल की कम तरीन सतह 5.72% पर आ गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मबनी खुर्दा अफराते ज़र अक्टूबर 2022 में 6.77% और नवंबर में 5.88% रहा। दही इलाकों में CPI की बुनियाद पर महंगाई नवंबर में 6.09% से कम होकर दिसंबर में 6.05% रह गई, जबकि शहरी इलाकों में ये शरह 5.39% थी। फूड प्राइस इंडेक्स नवंबर में 4.67% से कम होकर दिसंबर में 4.19% रह गया। हुकूमत ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वो 2% की ऊपरी या निचली हद के साथ खुर्दा अफराते ज़र को 4% पर बरकरार रखे। दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मरकजी बैंक अपनी कोशिशें जारी रखेगा। और नाज़रीन, आज हम आपको स्विस साइंसदानों के एक तजुर्बे के बारे में बताएंगे जो एक मस्नूई पत्ते की मदद से शमसी तवानाई को हाइड्रोजन तवानाई में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तवानाई आज हम सब की जरूरत है, लेकिन तवानाई ऐसी होनी चाहिए जो साफ हो, माहौल के लिए नुकसान देह ना हो, क्योंकि तवानाई के ज्यादातर जराए कार्बन का इखराज करते हैं जो माहौल और आबोहवा दोनों के लिए खतरनाक है। ऐसे में स्विट्जरलैंड के साइंसदानों ने एक अनोखा तजुर्बा किया है। साइंसदानों ने एक ऐसा मस्नूई पत्ता तैयार किया है जो हवा में मौजूद सूरज की रोशनी और पानी की मदद से हाइड्रोजन बना सकता है। ये काबिल तजदीद तवानाई को जखीरा करने का एक अच्छा हल भी हो सकता है। सेमीकंडक्टर मवाद के एक टुकड़े में शीशे का फाइबर लेपित डिवाइस को सिर्फ हाइड्रोजन ईंधन पैदा करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। ये अमल इसी तरह है जिस तरह एक पौधा सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेकर और ऑक्सीजन गैस को पानी से बाहर और फिजा में छोड़कर कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Natural photosynthesis, प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर होता है और ग्लूकोज का उत्पादन करता है। प्रभावी रूप से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। खैर, हम वही करना चाहते थे, हवा से सूरज की रोशनी और पानी लेकर उसे हाइड्रोजन के रूप में बदलना चाहते हैं। इस अमल में सूरज की तवानाई से पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम हो जाता है। अगर ये तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए सूरज की तवानाई को हाइड्रोजन तवानाई में तब्दील करके जखीरा किया जा सकता है, जिसे मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और आइए अब आपको सैर कराते हैं उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में वाक़े झांसी किले की। साल 1857 के इनकलाब के दौरान हुए सिपाही बगावत के अहम मरकज में से एक रहा है ये किला। यह खूबसूरती और तारीख की कहानियों से घिरा हुआ झांसी का किला। ये किला भारत के उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में वाक़े है और इसे ओरछा के राजा वीर सिंह जयदेव ने 1613 के आसपास तामीर किया था। यह किला बांगरा नामी पहाड़ी पर वाक़े है। झांसी का ये तारीखी किला 1857 के इनकलाब के दौरान सिपाही बगावत के अहम मराकज़ में से एक रहा। इस किले में एक म्यूज़ियम भी है जहां एक बिजली टैंक रखा हुआ है। साथ ही ये बुंदेलखंड के फन पारों और मुजस्मों को भी पेश करता है। ये किला ख़ास तौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए याद किया जाता है। मराठा हुक्मरानों ने भी यहाँ हुकूमत की, लेकिन ये किला रानी लक्ष्मीबाई के किले के नाम से जाना जाता है। एक ज़माने में अंग्रेज़ों ने इस किले पर कब्ज़ा करने के लिए तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन किले की मजबूत दीवारों को हिला ना सके। ये किला भारत की शानदार तारीख की एक मुनफरिद और शानदार मिसाल है जो आज भी पूरे शान से तारीख के ओरक को समेटे हुए खड़ा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और अटॉर्नी जनरल ने अमरीकी सदर जो बाइडन के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बाइडन के नायब सदर की मुद्दत कार के दौरान उनके जाती दफ्तर से बहुत सी खुफिया दस्तावेजात मिली थीं। इस मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उनके वकला ने दस्तावेज मिलने के फौरन बाद महकमा इंसाफ को आगाह किया है। सदर बाइडन के वकला का कहना है कि दस्तावेजात जो बाइडन ने उस वक्त इस्तेमाल किए जब वो 2017 से 2019 तक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एजाजी प्रोफेसर थे। साथ ही बाइडन के खसूसी वकील रिचर्ड सोबर ने कहा कि व्हाइट हाउस इस मामले पर नेशनल आर्काइव्स और महकमा इंसाफ के साथ तआवुन कर रहा है। अमरीकी महकमा दिफा के हेडक्वार्टर पेंटागन ने रूस पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में जंग खत्म करे। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जनरल पेट राइट्स ने कहा कि यूक्रेन में मुसलसल हमलों के बाद से रूस को कई चैलेंजेस का सामना है। ये हमला रूस की अस्करी क्यादत में भी बोहरान पैदा कर सकता है। काबिले जिक्र है कि रूस ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैली ग्रासिमोस को मुकर्रर किया है। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि यह फैसला मुसलह अफवाज की मुख्तलिफ खिदमात और शाखों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत के पेश नजर किया गया है। स्वीडन ने यूरोपीय यूनियन की काउंसिल की सदारत संभालने के बाद यूरोपीय यूनियन के पहले इजलास की मेजबानी की। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डेर लेयन ने इजलास में शिरकत की। स्वीडन के शाह कारल गुस्ताफ ने मीटिंग में शामिल तमाम मेंबरान का इस्तकबाल किया। स्वीडन के सदर ने कहा कि आइंदा 6 माह में सिक्योरिटी, ग्रीन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ जमहूरी इकदार को फरोग दिया जाएगा। वाजिर है कि स्वीडन ने 1 जनवरी से यूरोपीय यूनियन काउंसिल की सदारत संभाल ली है जो 30 जून तक इसका सदर रहेगा। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन के शहर सोलिडर पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की अफवाज मशरकी शहर सोलिडर में पोजीशन संभाल रही है और रूसी फौजियों को नुकसान पहुंचा रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के सीनियर कमांडरों से मुलाकात के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। और आइए नाज़रीन अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, हिंदुस्तान गरीब और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ उठाता रहेगा। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक के फोरम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मकसद जनूब की आवाज़ को बुलंद करना और उसकी आवाज़ हिंदुस्तान की आवाज़ उसकी तरजीहात हिंदुस्तान की तरजीहात होंगी। और नाज़रीन इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी भी हमने इसी सफ़े से ली है। ये सुर्खी है कि आपको बता दें कि दफ़ा 370 का वादा पूरा कर लिया गया है और साथ ही ये भी बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को लखनऊ में महाराजा हरीश चंद जयंती के प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही है कि दफ़ा 370 का वादा पूरा कर लिया है मरकजी सरकार ने। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी है वजीर दाखिला का दौरा, जम्मू कश्मीर आज है और आपको ये भी बता दें कि पूरा इलाका में सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है और कसीर दायरों वाली सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया गया है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी है, जेडीयू के साबिक सदर शरद पवार नहीं रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का शरद यादव के इंतकाल पर इजहार गम। और अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं, इंतखाबी अखराजात पर काबू पाने में इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कामयाब है। वोटिंग से कबल पैसे की बढ़ती हुई जब्ती इसका जीता जागता सबूत है। सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल कर दिया गया है।
और अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की नाज़रीन ये सुर्खी है कि जामिया की वीसी प्रोफेसर नजमा अख्तर की सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू से मुलाकात। जामिया मिलिया को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने वाइस चांसलर की कारकर्दगी की सताइश की है। और नाज़रीन इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी है कि 1941 सीसीटीवी कैमरे 197 थानों में नस्ब किए गए हैं, 2175 मजीद लगाए जाएंगे। हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल होगी और बताया जाएगा कि किस तरह से सिक्योरिटी को मजीद टाइट किया जा सकता है। और नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं हमारा समाज की इस सुर्खी पर कि हज की अदायगी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया गया है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। उड़ीसा में 15वें हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबलों का आज से आगाज़ होगा। 17 रोज तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। ये मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। आलमी कप का फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। 16 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। भारतीय टीम आज स्पेन के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। टीम इंडिया अपनी मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट में 48 साल के बाद कोई तमगा जीतने का हदफ रखेगी। अगर वो इस बार तमगा जीतने में कामयाब हो जाती है तो 8 बार की ओलंपिक चैंपियन टीम के दोबारा आलमी हॉकी पर गलबा हासिल करने के इम्कान मजबूत हो जाएंगे। भारत ने अब तक 3 तमगे जीते हैं। 1971 में इफ्तिताही एडिशन में 1 तमगा जीता था। दूसरा तमगा 1973 में जीता था। भारतीय टीम 1975 में अजीत पाल सिंह की क्यादत में चैंपियन बनी थी। दिन के दीगर मैचों में अर्जेंटीना का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला फ्रांस से जबकि इंग्लैंड का मुकाबला वेल्स से होगा। भारत और श्रीलंका के दरमियान कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मेहमान टीम को 215 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट लिए जबकि इमरान मलिक ने 2 विकेट हासिल किए। भारत ने 6 विकेट खोकर मैच जीत लिया और सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली। और आइए नाज़रीन अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। नाज़रीन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।